अब कौन आया? लड़की के पिता है। कब से ये लोग लिख रहे थे? एक तारीख को रात में सर, एक और दो के मतलब 12 बजे के बाद दो हो जाता है, 12 से 3 के बीच में लोग निकले हैं। हमने दो दिन इधर उधर खोजा, खोजबीन किया, कहीं हमको नहीं मिले। हम एक वकील साहब से दरखास्त लिखवा कर थाने पहुँचे, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि ऐसे नाम जल्दी कैसे FIR करोगे। तो लड़की का मार्कशीट ले आओ। हम मार्कशीट लेकर गए तो देखे तो लड़की 18 के पार है। क्या तुम FIR कर रहे हो? अगर लड़की बोल देगी कि हम उसी के साथ रहेंगे तो कैसे तुम ही उल्टा फंस जाओगे, ऐसा अगर तुम चले जाओ चौकी। तो हम चौकी पर गए, वही हाल साहब को भी बोले। तो साहब उसमें लिख रहे थे, तब पुलिस कुलिया लगा, रोड पर सब बवाल किए, तो इसी मीटर में वो चले गए। हमारा नंबर भी लिए, कहे बोले ठीक है हम तुमको फ़ोन करके बुलाएंगे। वो फिर अभी आज तक हमको फ़ोन नहीं किए। कौन सा थाना था ये? ये मुगलसराय कोतवाली जी। तब से उसके बाद पुलिस नहीं आई? नहीं सर, फिर उसके बाद तो हमको नहीं समझ में आया। फिर एक हफ्ता बीत गया, तो फिर हमने कल SP साहब के लिए चौकी चंदौली के लिए रजिस्ट्री किया पोस्ट ऑफिस से। वहाँ से क्या बोले वो? तो अभी सर आज कागज गया होगा, कल अभी तो यहाँ तक कोई उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा, ये लोग कल पकड़ा के आपके घर भी गए थे? हाँ जी सर, हमारे ले गए थे, अपने घर में रखे थे। इनके कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ पहुँचे, बोले कि लड़की की रख लो। हमको बताइए, एक घंटा अगर किसी की लड़की गायब लेट हो जाता है तो आदमी कहता है कि कहाँ है हमारा लड़की, 13 दिन से गायब, हम कैसे रख लें? हम नहीं रखेंगे। ये एक मेमो हमारे थाने पे दाखिल हुआ है, जिसके संबंध में ये था, ये जनता हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब द्वारा एक मेमो भेजा गया कि एक लड़का और लड़की जो है यहाँ पर एडमिट थे, जो पॉइजन खा लिए थे, जिनकी डेथ हो गई है। उसी मेमो के आधार पर हम लोग यहाँ आए हैं। लड़के और लड़की के दोनों के घर के परिजन आ गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। दोनों की बॉडी जो है सिलकर सरमोर कर भेजी जा रही है। ये प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं? जी, प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं, दोनों के घर के आमने सामने के हैं। जैसे लड़की के पिताजी बता रहे हैं, दोनों हम लोग पट्टीदार हैं।